आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं, सर, अब हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए सुनिए, ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं ऐसा एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं माननीय सदस्यगण, हर विषय हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।